गौव रूपावास में आज किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। दी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड रूपावास में किसानों ने बिजाई के समय में खाद बीज न मिलने पर 3 घंटे तक पैक्स कार्यालय के समक्ष धरना देकर भ्रष्टाचार का पुतला भी फूंका। किसानों का कहना है कि बीज खाद न आने का हवाला देकर किसानों को टरकाने वाले अधिकारियों के रवैये पर जब बीते वर्ष किसानों ने सोसाइटी में खाद बीज की अपने स्तर पर जाँच करवाई तो 54 लाख रुपये का गबन सामने आया, जिसकी अभी तक विभाग की ओर से जाँच चल रही है। जांच में विभाग के कई अधिकारियों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज किसानों के लिए बिजाई का पीक सीजन है, बहुत ही जरूरी सीजन है और इस सीजन में यहाँ फैक्स में कोई खाद या बीज उपलब्ध नहीं है, फैक्स बंद पड़ी है। बिंग खतराज में आज बैंक के मैन शाखा का गए प्रीति सिंह जी हैं इंचार्ज, अब तो अंग आगे धरना प्रदर्शन करो और भ्रष्टाचार को पुतलो फूंको, क्योंकि फ्रॉड के चलता वह आज बंद होगी। बिंग चार्ज कोई लेना को नहीं, अब चार्ज प्रीति सिंह जी ने लिए, तो हमारी एक ही मांग है, अब मांग लेकर के मैं अंग आगे आया। अब बिजाई को खाद सीजन है और बिजाई के सीजन में 5 गांव का किसान वह परेशान होने लगे। खाद और बीज दोनों जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाइए ताकि किसानों को राहत मिले। किसानों की ये एक बहुत बड़ी सस्ता है बेनिफिट की जो चीज थी, आज भ्रष्टाचार के चलते ये खत्म होने के कंगार पे हो रही है। हमने 2017 में एक नकली खाद का मुद्दा उठाया था, तब 13 लाख का गमन था। जेकर उस समय अधिकारियों की मिली भगत और ये जो जांच का बहाना नहीं होता तो शायद आज ये 54 लाख पर नहीं पहुंचता। आज इसके अंदर 54 लाख का गमन बताया जा रहा है।